नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल अमिट्टी ब्लॉग और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि हमने कुछ दिन पहले जो है योगी जी को जो है एक ट्वीट किया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि मैंने ट्वीट पे क्या लिखा था। ट्वीट में मैंने ये लिखा था कि आप वैक्सीनेटरों को का और सहायकों का जो है सैलरी जो है मानदेय है उसको कम से कम ना ज़्यादा दीजिए तो इतना ज़रूर दीजिए इन लोगों को कि इन लोगों का जीवन यापन हो सके। 8-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, कम से कम इनको 15 हज़ार रुपये इतना तो मिलना चाहिए। 8 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में अगर उनका मिलता है तो उनका समझ लीजिए कि उनका भला हो जाएगा इसके लिए। और उसके बाद में लेकिन जो है हमने ट्वीट किया और ट्वीट का कोई भी जवाब नहीं आया है अभी तक उनके ऑफिशियल पे। मैंने ट्विटर पे आप जा करके देख सकते हैं कि हमने ट्वीट किया है कि नहीं किया और आज तक कोई भी उसका जो है जवाब नहीं आया। तो सरकार की ये डिजिटल सेवाएं हैं, ये डिजिटल योजनाएं हैं, ये सब चल रही हैं, ये सब कहने की बातें हैं कि डिजिटल ये हो रहा है, डिजिटल वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मैं इस सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बस मेरा जो है एक कहना है, एक छोटी सी मांग है कि जो भी वैक्सीनेटर भाई हैं वो इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में ना तो कोई मीडिया छाप रहा है, ना कोई यूट्यूब चैनल उनको दिखाना चाह रहा है, उनके दर्द को कोई नहीं देख रहा है। 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक हो गए, उन लोगों को अभी सैलरी नहीं मिली और एक फूटी कौड़ी तक उनको नहीं दिया है सरकार ने अभी तक। उसके बाद में जो भी सैलरी मिल रही है, मानदेय मिल रहा है, वो 2 रुपये, 2.5 रुपये, 1 रुपये मिल रहा है। इतने में आज महंगाई में बताइए क्या क्या होगा इतने में। ये लोग बेचारे बहुत अच्छे हैं, सभी लोग जो है गरीब आदमी हैं, तो इनका जो है ध्यान दिया जाए। और चाहे वो जो भी हो सत्ताधारी, चाहे वो जो भी सरकार हो, चाहे जो हो, उसको जो है इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था पहले ही, भर्ती निकालने से पहले, कि जब वो काम करेंगे तो उनको जो है सैलरी की भी ज़रूरत होगी। और उनका जो है सैलरी मानदेय जो फिक्स किया गया वो कितना रुपए कमा लेंगे, उनका 100 रुपये, 50 रुपये भी नहीं बनता है, तो मंथली उनको सैलरी दी जाए ताकि वो जो है अपना जीवन यापन कर सकें और लॉन्ग टर्म में उसमें जो है जुड़ सकें इस काम से। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा और कि आप लोग चाहे साथ दें चाहे ना साथ दें इस मैटर में। मैं अगर अंत समय तक जो है बात पड़ी तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा इस मामले को लेकर के, और लेकिन सैलरी जो है मैं ज़रूर बढ़वाऊंगा, और या तो फिर जो है कुछ ना कुछ उनको फिक्स करना पड़ेगा। मैं एक बार नहीं, जब तक जो है हमारे ट्वीट का जवाब नहीं आएगा मैं रोज़ एक ट्वीट करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, आप भी वैक्सीनेटर हैं, सहायक हैं और इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहें तो आप जो है यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि अधिकारियों तक ये बात पहुँचे। मैं आज बहुत ही जो है नाराज़गी के साथ इस वीडियो को रात के, देखिए मैं बता रहा हूँ, रात में इस समय 2 बज रहे हैं और 2 बजे जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि दिन में मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं तो मुझे जो है टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैंने अभी जो है मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि उसका जो है अभी कोई जवाब नहीं आया उस हमारे मैसेज का, तो हमको बहुत गुस्सा आई और हमने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और उन लोगों को बताइए जो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, फलाना है, धमकाना है, तो उसको आप जो है बताइए और कि ये जो है कोई जवाब नहीं मिल रहा है, हमने पूछा है और इसके बारे में कोई भी जवाब उनका अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जो भी जवाब आता है, जो नहीं आता है, मैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमिट्टी ब्लॉग अंकुर तिवारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वायरल हो जाए और उन लोगों तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद।